जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित करते हुए रविवार को जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में मानक समदा साझा कीर्तन एवं कवि दरबार का आयोजन किया गया। रागी जत्था भाई चमनजीत सिंह जी लाल और ज्ञानी प्रताप सिंह जी श्री हजूर साहेब नादेड़ ने कीर्तन सुनाई। कवि दरबार में बतौर मुख्य अतिथि सिंचाई आंतरिक अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलक ने शिरकत किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष बहुत ही धूमधाम से मना रही है। जो गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया था, ऊंच नीच को खत्म किया था, एक बराबर सबको सम्मान देने की बात कही थी। गुरु नानक देव सभी समाज के गुरु थे। कीर्तन एवं कवि दरबार में नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, रागी प्रीतम सिंह, ज्ञानी गुरुवंदर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में श्रोता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सिंचाई यांत्रिक अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने कहा, उपदेश गुरु नानक जी के जीवन में, क्योंकि हम गोरखपुर में रहते हैं। गुरु नानक देव जी के परदादा जी का नाम था राम नारायण। क्या मंदिर को सीनी धन गुरु नानक पातशाह जी के परदादा जी का नाम, उनका नाम था राम नारायण। गुरु नानक देव जी के दादाजी का नाम था शिव नारायण। शिव नारायण जी के दो बेटे हुए, मेहता लालू जी और दूजे थे लालू जी। लालू जी विद्या में बड़े प्रवीण हो गए। वो राय भोए की तलवंडी ऐसे गुरु का परिहार जाओ दास ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुगत मोहे लाए, तो आपका मुगत है सानू कारण बाबा उठिया करके तुम गुरु गुरु मना रहे हो साढ़े 500 साल। अब बाबा उठिया करके गुरु ग्रंथ साहब अगे अरदास करो, पातशाह साढ़े भी गुण आप ग्रंथा चितारने साढ़े भी बाह पकड़नी सानू भी तार दे। गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में मक्खन शाह का गुरु का बेड़ा तारिया के साडा भी शरीर जो बेड़ा है संसार सागर है कि डुब ना जाइए पापा के सागर विच साडी बाह पकड़ी गुरु नानक साहब। एक बार सारे मिलके आके आप मुकद Yeah.
देखो आज गोरखपुर की जनता ने गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष आज यहाँ पे बहुत धूमधाम से मना रही है और बहुत सारे रागी जथा, कीर्तन जथा बाहर से, अमृतसर से, दिल्ली से कई कीर्तन जथा पे आए हैं और ये बहुत बड़ा उपराला गोरखपुर की सिख संगत ने किया है और ये बहुत बधाई के पात्र हैं कि आसपास की सारे 5-7 डिस्ट्रिक्ट के जनता यहाँ पर गुरुद्वारे में आई है। उसी के उपलक्ष्य में मैं गोरखपुर में आया। बहुत बड़ी देखो गुरु की संगत, गुरु में विलीन है। जो गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया था, ऊंच नीच को ख़त्म किया था, एक बराबर सबको सम्मान देने की बात करी थी, वो गुरु नानक देव किसी के सभी समाज के गुरु थे। इसलिए बहुत धूमधाम से सारे समाज के लोग इस 550 वर्ष को मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है।